गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो उसमें हमने कहाँ तक कर लिया था, उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लगभग कर लिया था। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। बच्चों देखो, मैंने आपको बताया था कि जो टेस्ट है इस प्रकार से होते हैं, ओके। और ये एपिडाइमस होता है, आपको पता है इस प्रकार। और टेस्टिस अंदर की साइड से आपको पता है अलग अलग कंपार्टमेंट में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। और हर कंपार्टमेंट, इन कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एंड ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन्स 1-3 क्वाइल ट्यूब्स दैट आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। और इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं, एक के अंदर तीन तक हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, एक हो सकती है, इस प्रकार से। अगर हम नाउ वी वॉन्ट टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, देन वी डाइसेक्ट द टेस्टिस। हम इसको ऐसे डाइसेक्ट करेंगे तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है वो भी कट हो जाएंगे। कट होने के बाद उनको हम देखेंगे तो हमें कैसे दिखाई देंगे वो आपको मैंने बताना है बच्चों। तो इस प्रकार ये ट्रांसवर्स सेक्शन है टेस्टिफेरस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का। कैसा सेक्शन है ये, इस प्रकार से ये। तो ये सारी की सारी जो हैं ये क्या है बच्चों, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं जिनको हमने ट्रांसवर्सली क्या किया हुआ है, सेक्शन किया हुआ है। इनके अंदर जो यहां पर सेल होती हैं, देखो इनको हम आराम से बनाते हैं, ठीक है। और इनके बीच का जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस, और यहाँ पर जो सेल होती है वो क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। अब ये जो देखो सेल है ये सारी की सारी, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का जो है ना ट्रांसवर्स सेक्शन है बच्चों। अब इसमें ये जो सेल है इनको बोलते हैं मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। इनको मेल जर्म सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं से क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। इनको मेल जर्म सेल या एक और नाम भी इनको हम देते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया भी इनको हम कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, ओके। जो कुछ बड़ी सेल है बीच में उनको सर्टोलाई सेल बोलते हैं बच्चों, सर्टोलाई सेल्स, ठीक है, ओके। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं। हमने टेस्टिस को ट्रांसवर्सली कट किया, तो फिर उसको माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो जो कटी हुई सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स वो हमें दिखाई देंगे आपको, तो ऐसे दिखाई देंगे वो। अंदर की साइड में ये एक्चुअली ये जो मेल जर्म सेल है, ये मेल जर्म सेल एक प्रकार से एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम टिश्यू है ये। यहाँ पर ये जर्मिनल एपिथेलियम का काम करता है, क्योंकि इससे जर्म सेल, इससे क्या बनती है, स्पर्म्स बनते हैं। तो ये मेल जर्म सेल है, और जो बीच में बड़ी बड़ी सेल है इनको क्या बोलते हैं, सर्टोलाई सेल। सर्टोलाई सेल क्या काम करती है, जो मेल जर्म सेल है या स्पर्मेटोगोनिया है इनसे क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, क्या बनते हैं, स्पर्म्स। तो सर्टोलाई सेल इनको क्या करती है, नरिशमेंट करती है। सर्टोलाई सेल नरिश द डेवलपिंग जर्म सेल, जो जर्म सेल डेवलप होती है किसमें, स्पर्म्स में, तो उनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करती है, सर्टोलाई सेल्स, एंड सेंस। अभी जो जर्म सेल है ये डिवाइड करती माइटोटिकली डिवाइड करके, और यहाँ पर इनसे क्या बन जाते हैं, स्पर्म्स बन जाते हैं। तो सेंटर में मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, स्पर्म्स दिखा रहा हूँ। तो सेंटर में स्पर्म्स हैं, ठीक है, सेंटर में क्या दिखा रहा हूँ आपको, मैं स्पर्म्स दिखा रहा हूँ। तो ये स्पर्म्स जो हैं अपने हेड को सर्टोलाई सेल के अंदर एम्बेडेड करते हैं, और क्या लेते हैं, नरिशमेंट्स, और फिर बाहर निकलते हैं। तो स्पर्म्स का यहाँ से बाहर निकलना, एग्जिट ऑफ स्पर्म्स, पहले स्पर्म्स नरिशमेंट लेंगे किससे, सर्टोलाई सेल से, और फिर बाहर निकलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्मिएशन कहते हैं। तो सर्टोलाई सेल का फंक्शन आ जाए तो आप ये बताना कि सर्टोलाई सेल्स क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किसको, डेवलपिंग स्पर्म्स को। ये कुछ बीच में सेल हैं जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच का जो जगह है, यहाँ पर भी कुछ सेल होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स।
या इनको हम लेडिक सेल भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेक्स या लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। इनसे क्या निकलता है, इन सेल से एक हार्मोन्स निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन्स जो कि एक प्रकार का मेल एंड्रोजन है, मेल सेक्स हार्मोन है बच्चों, मेल एंड्रोजन है ये, और इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टो मतलब टेस्टी से निकलता है, स्टीरोन का मतलब इसकी जो नेचर है स्टीरोइड है, लिपिड लाइक मॉलिक्यूल से बना है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन प्योरिटी की स्टेज पे ही निकलता है मेल में, और इसी हार्मोन के कारण ही जर्म सेल बनने यानी स्पर्म्स बनने क्या होते हैं स्टार्ट। तो ये हार्मोन यहाँ से बनके और फिर यहाँ पर जाता है और इंड्यूस करता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, जो स्पर्म्स मदर सेल है, स्पर्मेटोगोनिया है, उनके अंदर क्या स्टार्ट हो जाए, मियोटिक डिविजन्स, और उनसे क्या बने, स्पर्म्स बने। अंडरस्टैंड्स, तो हर जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स सबके सेंटर में यहाँ पर स्पर्म्स बन के सबके सेंटर में आ जाते हैं। ओके, और फिर ये स्पर्म्स यहाँ से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने से पहले सर्टोलाइज सेल से क्या लेते हैं, नरिशमेंट लेते हैं ताकि एक्टिवेट हो जाए, और फिर बाहर निकलते हैं, और इनका बाहर निकलना यहाँ से क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। क्या कहलाता है, स्पर्मिएशंस। तो ये आपकी बुक के अंदर ये डायग्राम दिया गया है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का, तो आप इसको देख सकते हो। इसकी स्लाइड भी हमारे पास होती है, इसकी स्लाइड भी हम प्रैक्टिकल एग्जाम में देखते हैं, वो सेम है बच्चों ये, ठीक है। ओके, तो ये वेरी वेरी सिंपल हमने आपको करवाया है, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करते हैं बच्चों, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था, उसी प्रकार जिस प्रकार हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया था, उसी प्रकार हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस से बना होता है बच्चों, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, ए पेयर ऑफ ओवरी, जैसे वहां पर हमने क्या पढ़ा था, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, बट यहाँ पर ए पेयर ऑफ ओवरी। ओवरी क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, क्योंकि ओवरी के अंदर ही क्या बनते हैं, ओवम या एग्स बनते हैं, इसलिए ओवरी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। वेरी सिंपल, शाबाश। नेक्स्ट, ए पेयर ऑफ ओवरी, उसके बाद ए पेयर ऑफ ओविडक्ट, दो ओवरी है, दोनों साइड से ओविडक्ट निकलती है, ओविडक्ट का एक नाम और है फैलोपियन ट्यूब, इनको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तीसरा, ये आप क्वेश्चन में आ गया बच्चों, उसके बाद फिर यूट्रस, ये सारे पार्ट हैं यूट्रस, यूट्रस के बाद फिर अगला पार्ट है सर्विक्स एंड वजाइना, ठीक है, और उसके बाद लास्ट पार्ट क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सारे पार्ट हैं, जो ओवरी है ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और सारे ऑर्गन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन माने जाते हैं। प्राइमरी उसको बोलते हैं जिसके अंदर गैमिट्स बनते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, प्राइमरी उसको बोलते हैं जिसके अंदर क्या बनते हैं, गैमिट्स बनते हैं, उसको हम प्राइमरी कहते हैं। ये बच्चों आपका हो गया है, वेरी सिंपल। अब हम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना लेते हैं आपको, वो आपको समझ में आ जाएगा जो आपकी बुक में बनाया हुआ है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने क्या बताया था कि ये पूरे जो सारे जो स्ट्रक्चर मैंने बताए आपको एक डायग्राम में आ जाएंगे इस तरह से, इस तरह से डायग्राम ये, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा ये, ये ओवरी है यहां पर, और ये इस प्रकार से ओवरी के ऊपर ये पार्ट इस तरह होता है, इसी प्रकार इस तरफ होता है सेम। अगर मैं आपको एक साइड से समझा देता हूं दूसरी साइड सेम, ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर यहां पर है, तो आपको एक साइड से आपको समझ आ जाएगा अलग अलग पार्ट। ये बच्चों ओवरी है, आपको पता फीमेल में दो ओवरी होती है, लेफ्ट एंड राइट, तो ये लेफ्ट ओवरी है, ओवरी जो है ये यूट्रस है, यूट्रस, ये यूट्रस होता है, इसको यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस की जो लाइनिंग है ये तीन भागों में डिवाइड होती है, आपको बता दूं मैं, तीन, तो तीन भागों में डिवाइड होती है। तो सबसे बाहर की जो लेयर है, बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम,
सबसे बाहर की लेयर क्या कहलाती है बच्चों, पेरीमेट्रियम। फिर बीच वाली क्या कहलाती है, मायोमेट्रियम, जो मसल्स होते हैं इसके अंदर, स्मूथ मसल्स। पेरीमेट्रियम थिन होती है, मायोमेट्रियम थिक होती है। मायोमेट्रियम में मसल्स होती हैं जो कि जब बेबी का जन्म होता है तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है यूट्रस में। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम के अंदर ये ग्लैंडुलर होती है, इसके अंदर टेम्परेरी ग्लैंड्स बनती रहती हैं। और इस एंडोमेट्रियम के अंदर साइक्लिक चेंज होता है फीमेल में, साइक्लिक चेंज जिसको मेनस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, इसमें साइक्लिक चेंज ऐसा ही सेम इधर है। ओवरी जो है यूट्रस की जो बाहर की वाल है उससे अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ये लिगामेंट है जो कि ओवरी को अटैच करके रखते हैं यूट्रस की बाहर की वाल से, ठीक है बच्चों। और यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब है या इसको हम ओविडक्ट भी कह सकते हैं। दिस इज फैलोपियन ट्यूब आर वी कैन से ओविडक्ट, ओविडक्ट भी कह सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं हम, क्लियर। इस चीज को अपने ध्यान में रखना है। अब इस फैलोपियन ट्यूब के अलग अलग पार्ट हैं, इस फैलोपियन ट्यूब के। ये फैलोपियन ट्यूब 10 टू 12 सेंटीमीटर की होती है। फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे पहला पार्ट है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला जो वाइड पार्ट है इसको एम्पुला बोलते हैं। अगला जो नैरो पार्ट है उसको इस्थमस बोलते हैं बच्चों, ठीक है, याद रखना। और इनफंडिबुलम का जो ये बिल्कुल सबसे पहला पार्ट है यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से निकली होती है, जिनको क्या बोलते हैं, फिम्बरी, फिम्बरी। ये फिम्बरी जो होती है इनफंडिबुलम का ही पार्ट होती है, ये ओवरी को कवर करती है, जैसे ये ओवरी है इसको कवर करती है ऐसे। तो ओवरी में किसी भी जगह से एग बाहर आ सकता है, तो जहाँ से भी आएगा सीधा किस में जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा। तो ओवरी से कहीं से भी एग निकलता है सीधा किस में जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है। ओवरी की जो फैलोपियन ट्यूब है बच्चों उसकी जो इनर लाइनिंग है उसमें क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। यहाँ पर जो एपिथेलियम है वो सीलिएटेड एपिथेलियम है बच्चों, यहाँ पर जो एपिथेलियम है वो कौन सा एपिथेलियम है, सीलिएटेड। यानी कि ये सीलिया क्या काम करते हैं, जो एग बाहर आता है यहाँ से उस एग को आगे की तरफ क्या करते हैं, प्रोपेल, यानी आगे की तरफ उसको पुश करते हैं। तो यहाँ पर जो सीलिया है वो एग को आगे की तरफ मूवमेंट करवाते हैं ताकि एग आगे निकल जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जाके जहाँ पर एम्पुला खत्म होता है और इस्थमस स्टार्ट होता है, इसी जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इज द प्रॉपर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये यूट्रस है, यूट्रस इन्वर्टेड पियर, इन्वर्टेड पियर जैसा होता है, यानी ऊपर वाला भाग ब्रॉड होता है और नीचे वाला थोड़ा हा नैरो होता है, ठीक है। ये यूट्रस है बच्चों, ठीक है। ये यूट्राइन की वाल है, इस वाल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सबसे बाहर का जो पार्ट है वो क्या होता है आपको बता दिया, पेरीमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, और अंदर वाली क्या होती है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर साइक्लिक चेंज चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये नैरो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स, सर्विक्स। और ये जो ट्रैक है यहाँ से इसको बोलते हैं सर्विकल कैनाल, इसको सर्विकल कैनाल बोलते हैं। उसके बाद का पार्ट है वेजाइना, ठीक है, और ये वेजिनल कान। तो सर्विकल कैनाल और साथ में वेजाइना, वेजाइना भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये भी। वेजाइना और सर्विकल कैनाल दोनों मिलके क्या कहलाती हैं, बर्थ कैनाल कहलाती है, क्या कहलाती हैं, बर्थ कैनाल। तो सर्विकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं, बर्थ कैनाल कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक सिस्टम आपके सामने मैंने बनाया है जिसमें जो किसको दिखाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाता है। तो इसके सारे जनरल पार्ट आपने कर लेने हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां से क्वेश्चंस क्या आ सकता है, फैलोपियन ट्यूब के बारे में आ सकता है, फैलोपियन ट्यूब का एक नाम और क्या, ओविडक्ट, क्या फंक्शन है बता दिया, फिम्बरी क्या होती है बता दिया आपको, ओवरी जो होती है आलमंड शेप होती है, ओवरी ज्यादा बड़ी नहीं होती, आलमंड शेप होती है। एक फीमेल में दो ओवरी होती है, लेफ्ट और राइट, एक टाइम पे एक ही ओवरी से एग निकलता है। जैसे इसका कोई हार्ड रूल नहीं है, कभी भी किसी ओवरी से एग निकल सकता है, कई बार कई दफ़ा ओकेजनली दोनों ओवरी से एग निकल जाते हैं जिसमें दो बच्चे पैदा हो जाते हैं। अदरवाइज एक टाइम पे हर साइकिल के अंदर एक ही ओवरी से एग निकल सकता है, कभी उससे कभी उससे या कभी एक से लगातार हो सकता है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्लियर। तो दो ओवरी है, क्लियर, ओके। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ आपको बता दी, यूट्रस बता दिया, यूट्रस की सबसे अंदर की लाइनिंग क्या कहलाती है, एंडोमेट्रियम।
बीच वाली क्या कहलाती है, मायोमेट्रियम। मायो का मतलब मसल्स, यानी इसमें मसल्स होती हैं। ये मसल्स कब काम करती हैं, जब बेबी का बर्थ होता है तो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है। उसके बाद सर्विकल पार्ट है सर्विक्स, उसके बाद वजाइनल पार्ट है, और वजाइना के बाद जो बाहर का पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया आपकी बुक में लिखा हुआ है, वो आपने पढ़ना है खुद, वहाँ पर कोई अगर आपको वो डाउट्स नजर आता है तो यू कैन आस्क मी। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस, यानी कि मेल में गैमिट कैसे बनते हैं, फीमेल में गैमिट कैसे बनते हैं। तो कल का टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों, थैंक यू लोग।